हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आरसी दुबे नौजवान दर्पण न्यूज़ चैनल से बोल रहा हूँ। मेरी जानकारी के अनुसार 16 मई को आ सकता है 2021 का पहला चक्रवाती तूफान, जिसका नाम है तोकाते। दक्षिण पूर्व अरब सागर के ऊपर बन रहा कम दबाव का क्षेत्र मौसम विभाग ने इस सप्ताह देश के पश्चिमी तट की ओर से चक्रवाती तूफान आने की भविष्यवाणी की है। दक्षिण पूर्व अरब सागर के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जिसके अरब सागर से सटे दक्षद्वीप की ओर बढ़ने की आशंका है। इस दौरान ये तूफान धीरे धीरे तेज होता जाएगा। तटीय क्षेत्र में बारिश की संभावना। लक्षद्वीप, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल को सावधान रहने की हिदायत दी गई है। तटीय क्षेत्र में बारिश की संभावना भी जताई गई। मौसम विभाग ने मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने का अलर्ट जारी किया गया है। 60 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी हवा। मौसम विभाग की तरफ से जारी अलर्ट के मुताबिक लक्षद्वीप, मालदीव और इलाके में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएँ चलेंगी। इसके अलावा केरल, गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में लोगों को आंधी तूफान के साथ बारिश की संभावना सामना करना पड़ेगा। 16 मई तक तेज होगा, हो सकता है तूफान तोकाते 16 मई तक पूर्वी मध्य अरब सागर में जोर पकड़ सकता है और इसके उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना जताई गई है। हालांकि कुछ न्यू